हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ अपना नागपुर से कान्हा का रोड ट्रिप शेयर किया था और अब हम आ गए हैं अपने रिसॉर्ट MPT सफारी लॉज, या जिसे पहले कान्हा सफारी लॉज भी कहा जाता था। MPT सफारी लॉज कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की गेट के बिल्कुल पास में है। आधा एक किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, यानी आप 2-3 मिनट में गाड़ी से रिसॉर्ट से मुक्की गेट तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आते समय रास्ते में ही हमने जो बफर जोन का गेट है उसको भी क्रॉस किया, यानी बफर जोन से भी ये आगे ही है। तो हम कान्हा के फॉरेस्ट के अंदर ही रह रहे हैं, जो कि आपको इन एवरग्रीन साल ट्रीज को देखकर समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप कान्हा बाय एयर आ रहे हैं तो जबलपुर एयरपोर्ट सबसे पास पड़ता है। बाकी नागपुर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, इन सारी जगहों से कान्हा का रोड ट्रिप तो फेमस ही है, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो रिसॉर्ट पे हम आ चुके हैं और आज के वीडियो में हम रिसॉर्ट का पूरा टूर लेंगे, यहाँ के सारे फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ देखेंगे, यहाँ आसपास करने की क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ साथ में एक्सप्लोर करेंगे। रिसॉर्ट का फर्स्ट लुक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और क्योंकि हम मोस्टली अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, तो मेरी नज़र सबसे पहले इसी बात पर जाती है कि रिसॉर्ट बहुत ही फैमिली फ्रेंडली लग रहा है। यहाँ वहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारी किड फ्रेंडली एक्टिविटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। फैमिली के साथ में बैठ कर बातचीत करने की, इंजॉय करने की बहुत सारी जगहें और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं। खैर, इन सबको हम बाद में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, अभी चलते हैं अपने रूम्स के तरफ, क्योंकि 7 घंटे की रोड ट्रिप के बाद सब बहुत थक गए हैं। MPT सफारी लॉज में हमने बुक किया है AC रूम, जिसका टैरिफ है लगभग 5,000 रुपीज़ पर नाइट। आप और अलग अलग ट्रैवल वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, मे बी यू कैन गेट अ बेटर रेट। AC रूम बहुत बड़ा है, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, एक किंग साइज बेड है यहाँ पर, साथ में एक ड्रेसिंग टेबल दी हुई है, एक क्लॉजेट दिया हुआ है सामान रखने के लिए, TV है, पानी की बॉटल्स भी रख कर गए हैं। जो बेडशीट्स हैं वो बहुत ही क्यूट एनिमल प्रिंट्स और पॉ प्रिंट्स हैं। हमने यहाँ पे 2 रूम्स बुक किए हैं, मैं दूसरे रूम का भी बाद में आपको एक लुक दे दूँगी। सभी रूम्स के साथ यहाँ पे अटैच बाथरूम्स हैं, जिनमें बेसिक टॉयलेटरीज भी पड़ी हुई थी, जैसे कि साबुन, शैम्पू एक्सेट्रा, टॉवल्स हैं, बकेट एंड मग भी रखा हुआ है। बाथरूम्स के सारे ही नल में मिक्सर लगा हुआ है, ताकि आपको गर्म पानी मिल सके। बाथरूम सिंपल हैं, क्लीन हैं, बेसिक हैं, रूम भी बेसिक है, लेकिन एक मिड रेंज अगर आपको रिसॉर्ट चाहिए यहाँ पर मुक्की गेट के बिल्कुल पास, तो दिस इज़ एक्सेलेंट। और इसका बेस्ट पार्ट है इसकी बालकनीज, जो कि बिल्कुल आपको वाइल्ड जंगल का व्यू देती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम कान्हा जंगल के अंदर ही हैं। AC रूम के अलावा 2 और टाइप के रूम्स हैं यहाँ पे। एक AC डीलक्स रूम है जो थोड़े और बड़े हैं, उनमें एक छोटा सा डाइनिंग टेबल जैसा भी दिया हुआ है, और दूसरे हैं AC रिवर साइड रूम्स। वहाँ पे आपको बंजार रिवर का व्यू मिलेगा, जो कि रिसॉर्ट के दूसरे तरफ है, जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करने जाएंगे। यहाँ पे यू कैन टेक अ लुक इनटू द क्लोजेट, द कबोर्ड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, बच्चों के सारे कपड़े सुबह की सफारी के लिए अच्छे से यहाँ पे अरेंज हो गए थे। एक बार फिर से बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर है। साइड में आपको हमारे दूसरे रूम की बालकनी दिख रही है, वो रूम हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं लंच के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग गई है, और लंच के बाद हमें जाना है शाम की सफारी के लिए। सारे ही मील्स रूम के रेट में इंक्लूडेड हैं, और सब मील्स सर्व होते हैं यहाँ पर इस डाइनिंग हॉल में, जो कि बहुत ही खुला खुला है। इट इज़ वेरी एयरी एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ लाइट कमिंग इन, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे।
मील्स बिल्कुल होम स्टाइल बनाए जाते हैं, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं रहता है कि बच्चे खा ना सकें। हमने सारे मील्स बहुत एंजॉय किए। सब मील्स में एक नॉन वेजिटेरियन आइटम हमेशा होता है। लंच के बाद अब रिसॉर्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों ने अपने फेवरेट झूले ढूंढ लिए हैं और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो यूजुअल झूले और स्लाइड्स और सी सॉस इनके बजाय यहाँ पे थोड़े एडवेंचरस एक्टिव काइंड ऑफ झूले लगाए गए हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आई सारे वो बर्मा ब्रिज और रोप क्लाइंबिंग और इस तरह की चीज़ें करने में। इन सारे झूलों के अलावा रिसॉर्ट में एक म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है। वहाँ पे हम जा नहीं सके लेकिन वहाँ पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है अबाउट कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में। वहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशनल थिंग्स रखी हुई हैं, वो भी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। और अब हम क्विकली एक नज़र घुमा लेते हैं हमारे सेकेंड वाले रूम पे। वो भी सेम टाइप ऑफ रूम है, एसी रूम है, दोनों रूम्स आजू बाजू में ही हैं। यहाँ का लुक आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद अब हमें चलना है अपनी शाम की सफारी के लिए जो कि है एक कैंटर में। हम यहाँ पर फेस्टिवल सीज़न में आए हैं इसलिए हमें हमारे पसंद के रूम्स या सफारी बुकिंग्स मिल नहीं पाए, तो मैं पहली बार एक कैंटर में सफारी करने वाली हूँ। कैंटर एक ओपन बस होती है जिसमें 12 सीट्स होती हैं और अगर आप एमपीटी सफारी लॉज में ठहरे हैं तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कैंटर यहीं से चलता है, तो आप रिसॉर्ट से ही सीधा कैंटर में बैठ सकते हैं, अपनी मनपसंद सीट्स चूज कर सकते हैं और बाकी जो लोग कैंटर में ज्वाइन करेंगे आपको मुक्की गेट से वो रिमेनिंग सीट्स पे बैठेंगे। सो ये एडवांटेज है एक एमपीटी सफारी लॉज में रहने का। कैंटर सफारी के बारे में एक बात और बता दूं आपको कि इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, आपको यहीं पे आके करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे थे लंच के भी पहले हमने पहले जाके यहाँ पे टिकट्स खरीद ली थी, तो आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि टिकट काउंटर जो मुक्की गेट पर ही है वो खुलने के एक आध घंटा आप यहाँ पहले ही पहुँच जाइए और अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए। अगर आप बहुत सारे लोगों का ग्रुप साथ में जा रहे हैं जैसे कि हम लोग गए थे तो कैंटर सफारी का अपना अलग ही मज़ा है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब जीप में गए तो हम दो अलग जीप्स में डिवाइड हो गए थे लेकिन कैंटर में हम सारा पूरा बड़ा ग्रुप एक साथ था, तो उसका भी मज़ा बहुत ही अलग था। सफारी से वापस आते आते शाम हो गई है और हम हैं इस वक्त एमपीटी सफारी लॉज के रिसेप्शन एरिया में जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कॉमन टॉयलेट्स हैं जो कि अच्छे थे, वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन थे। कॉमन टीवी है जिसको किसी ने ऑन नहीं किया और यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी सीटिंग एरियाज बनी हुई हैं फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे अपने अपने सीटिंग में बैठ सकते हैं। उसके साथ ही मुझे यहाँ का डेकोर बहुत अच्छा लगा जो कि लोकल ट्राइबल डेकोर है और कान्हा के जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनके सिल्यूएट्स यूज़ करके ये सब डेकोर किया गया है। शाम के समय एमपीटी सफारी लॉज कुछ ऐसा दिखता है। सारे लैम्प्स ऑन हो गए हैं, सारी लाइट्स जल चुकी हैं एंड द प्लेस इज लुकिंग मैजिकल। इवनिंग टी सर्व हो गई है विद बिस्किट्स और हमने साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी ऑर्डर करवा लिए हैं। बच्चे फुल ऑन वेकेशन मोड में आ चुके हैं और यहाँ पर आए हुए दूसरे बच्चों के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली है और उनके साथ अब वो कैरम खेल रहे हैं। कैरम और दूसरे इंडोर गेम्स इस डाइनिंग एरिया के एक कॉर्नर में ही लगे हुए हैं। एमपीटी सफारी लॉज में हमारे दूसरे मेन मील का टाइम आ गया है हमारे डिनर का। डिनर में है सैलड, वेज स्वीट कॉर्न सूप, वेज नूडल्स, कढ़ाई पनीर, आलू बरबटी, दाल फ्राई
साथ में चावल, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए है चिकन करी, और डिजर्ट में स्वीट फ्रूट कस्टर्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चल पड़े हैं एक और सफारी के लिए, इस बार जीप में, लेकिन इस बार कोर जोन में नहीं, बफर जोन में। मुक्की जोन में अगर आप बफर जोन की सफारी करना चाहें तो यहाँ का बफर जोन है खापा जोन। तो अगर आपको कभी कोर में जीप सफारी ना मिले तो एक ऑप्शन होता है कि आप कोर जोन में कैंटर सफारी कर लें, या फिर आप बफर जोन में जीप सफारी कर लें, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। एमपीटी सफारी लॉज रिसोर्ट के पास में अपनी खुद की ही जीप्स हैं, और आप 6,500 में पूरी जीप बुक कर सकते हैं फॉर अ बफर जोन सफारी। कोर जोन की करेंगे तो 1,000 रुपीज ज़्यादा लगेगा पर पर्सन भी, आई थिंक 1,800 पर पर्सन का कॉस्ट है अगर आप पूरी जीप ना बुक करना चाहें तो। खापा जोन जो है ये टूरिस्ट के लिए कुछ ही साल पहले खुला है, 2017 में ही इसको एक्सेसिबल किया गया है फॉर टूरिस्ट टू गो इन एंड टेक अ सफारी। लेकिन जो कोर जोन है कान्हा का जो जंगल है, और ये बफर एरिया जो है, इन दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, तो एनिमल्स इजीली यहाँ से वहाँ क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये बहुत ही फ्रेश पग मार्क्स दिखे टाइगर के यहाँ पर। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके अपनी सफारी के बीच में, और वॉशरूम्स वगैरह बहुत क्लीन थे, बस एक वॉशरूम की टॉयलेट सीट के ऊपर एक जायंट स्पाइडर बैठी हुई थी, बट दैट्स व्हाट यू गेट, यू आर इन द मिडल ऑफ अ जंगल। ब्रेकफास्ट में हमें एमपीटी सफारी लॉज ने दिए हैं आलू की सब्जी विद पराठा, सैंडविचेस और चाय गर्मा गर्म एंड बनानास। ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपनी रिमेनिंग जंगल सफारी कंप्लीट की, और उसके बाद हम पहुंच गए बैगा हाट। बैगा हाट एमपी टूरिज्म द्वारा प्रमोटेड एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे एक मार्केट जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोकल ट्राइब्स के द्वारा बनाई हुई चीज़ें खरीद सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ लोकल फूड ग्रेन्स के हेल्दी से लड्डू और अचार वगैरह खरीदे। यहाँ पे ट्राइबल डांसेस भी शुरू करने का प्लान है, विच आई थिंक विल बी अ वेरी गुड आइडिया। इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो ये जगह बहुत अच्छी लगने वाली है, और आप भी अगर एमपीटी सफारी लॉज में ठहरे हैं या मुक्की के आसपास कोई भी रिसॉर्ट में ठहरे हैं तो बैगा हाट इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट यू कैन डू विथ योर फैमिली। मॉर्निंग सफारी से रिसॉर्ट आने के बाद अब बस एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करनी बची है, जो कि है एमपीटी सफारी लॉज का बिगेस्ट अट्रैक्शन, नेचर ट्रेल एंड कैनोपी वॉक। मुक्की गेट के पास जो नेचर ट्रेल होती है उसको आप मुक्की गेट के बुकिंग काउंटर से आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं और टिकट खरीद सकते हैं ये ट्रेल करने के लिए। लेकिन अगर आप एमपीटी सफारी लॉज में ठहरे हैं तो ये ट्रेल और कैनोपी वॉक आपको टोटली फ्री है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल द गेस्ट्स। कैनोपी वॉक तक जाने तक का रास्ता जो है, जो नेचर ट्रेल है, इट इज़ एब्सोल्युटली लवली। जंगल से घिरा हुआ है ये, आप जंगल के बीच में चल रहे हैं और लेफ्ट साइड पे है बंजार रिवर। बहुत ही सारी बर्ड्स दिखती हैं यहाँ पे, हमें यहीं से दिखना शुरू हो गई हैं। अगर आप एसी रिवर व्यू कॉटेजेस लेंगे तो आपको ये ही वाला व्यू दिखाई देगा, वहाँ की बालकनी से ही आपकी बहुत बढ़िया साइटिंग हो जाएगी बर्ड्स की। ये देखिए इस तरह के टावर्स भी बीच में बना रखे हैं, आप ऊपर चढ़ के ट्री टॉप्स पे जो बर्ड्स रहती हैं, जो कि नीचे से ईजिली नहीं दिखती, उनको देख सकते हैं। और ये आ गया है कैनोपी वॉक। ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन पे ये एक स्काई वॉक क्रिएट किया गया है, जहाँ आप ऊपर चढ़ के वहाँ से बहुत सुंदर व्यूज़ भी देख सकते हैं और बर्ड्स भी देख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि हम रिसॉर्ट के गेस्ट्स हैं तो हमें रिसॉर्ट के स्टाफ ने चाबी दी है, वैसे ये कैनोपी वॉक क्लोज रहता है। दिस इज़ ओनली फॉर द रिसॉर्ट गेस्ट, या फिर अगर आप सेपरेटली पे कर कर यहाँ आए तो। तीन स्टोरीज चढ़ना पड़ता है पूरा ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ पे। अच्छा खासा हाइक हो जाता है ऊपर पहुंचते पहुंचते तक, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो व्यूज़ मिलते हैं दे आर ब्रेथ टेकिंग, दे आर अनपैरेलल्ड। यहाँ पे आपको अपने बाइनोक्यूलर्स तो ज़रूर लाने चाहिए, क्योंकि जो बर्ड्स आपको नीचे से बस सिर्फ आवाज़ें आ रही थी वो आपको यहाँ से क्लियरली ट्रीज़ में दिखाई देती हैं।
और सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, पूरे नेचर ट्रेल पे रिसॉर्ट से यहाँ तक आते समय आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स भी दिखाई देंगे। बच्चों के लिए तो दिस इज एन अमेजिंग एक्सप्लोरेटरी एक्सपीरियंस। स्काईवॉक बहुत ही बड़ा बनाया गया है, आप हर डायरेक्शन में जाके जंगल का एक डिफरेंट व्यू देख सकते हैं। एक तरफ से आपको रिवर दिख रहा है, एक तरफ से आपको जंगल का एक हिस्सा दिख रहा है, कहीं से दूसरा हिस्सा दिख रहा है। कैनोपी वॉक इज एन अमेजिंग आइडिया और MPT सफारी लॉज का ये बेस्ट फीचर है। ये देखिए, यहाँ से बंजार नदी का ब्यूटिफुल व्यू देखिए आप। बंजार नदी पर आप नीचे भी जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, हम वहाँ पर भी गए थे। हमारा आधा ग्रुप वहाँ पर गया था। वहाँ के वीडियोज़ मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं कैनोपी पर आ गई ऊपर, बट दिस प्लेस इज अमेजिंग टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। नेचर ट्रेल्स एक बहुत ही अच्छा पार्ट है जो आजकल सारे नेशनल पार्क्स ने शुरू कर दिए हैं, एज अपोज टू अ जीप सफारी। आप यहाँ नेचर के और पास में रहते हो पर अभी ये इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं। कैनोपी वॉक पर तो हमारी फैमिली अकेली ही थी। अब कैनोपी वॉक से हम नीचे आ गए हैं और उसी तरह जैसे कि हमें स्टाफ ने इंस्ट्रक्ट किया था, हम ताला लगा के चाबी वापस ले जा रहे हैं उन्हें देने के लिए। MPT सफारी लॉज में हमारा फैमिली के साथ ये स्टे बहुत ही बढ़िया रहा। यूजुअली हम सोचते हैं कि कोई जगह अगर गवर्नमेंट रन है तो वो किसी तरह से कम होगी, वहाँ पे सर्विस परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। नेचर के बीच में मुक्की गेट के बिल्कुल पास, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टे विथ योर फैमिली। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो में फिर एक जंगल डेस्टिनेशन के साथ मिलती हूँ मैं आपसे। बाय।